मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। बेसिकली मैं पेंटर हूँ और पेंटिंग करता हूँ। मैम के लिए मैं कुछ प्यार भरा एक टॉपर लेकर आया हूँ। मैं यदि मैम आपकी इजाजत हो तो लेकर आऊँ मैं आपके पास। जल्दी से आइए, जल्दी से। मेरे सब तोहफे कारण ले जाते मैं चाहता हूँ आप प्यार भरे अंदाज में इसमें ऑटोग्राफ दीजिए। नहीं मैम, पेन से तो हर कोई ऑटोग्राफ देता है, आप कुछ दूसरे अंदाज में दीजिए। तो क्या करूं मैं? अब उंगली से आपके लिए मैंने खुद के लिए भी ऑटोग्राफ किया। मैं तो जानती हूँ। तो आज आप था कि शुक्रो मैं समझ गई। जी जैसे हर एक पेंटर अपने अपने अंदाज में अपने पेंटिंग्स बनाते हैं, और मैं भी एक अनोखे अंदाज में सर आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जो अब तक किसी रियलिटी शो में किसी ने बनाया नहीं। हो जाएगा, वेरी एक्साइटिंग। लोग भी इस अनोखे अंदाज में आप मेरा खूबसूरत सा चेहरा। जी सर, बिल्कुल। भारती भारती देखो देखो मेरी तस्वीर बना रही है। भारती देखो तस्वीर किस तरह उतारी है। हाँ चलिए रेडी स्टार्ट। Thank you.
नहीं दिया ना उसको। सर अब तो आदत हो गई है। आदत हो गई है, कलर है तो ये मैंने आपको रुको बता रहा मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ कि पहले ये लाइफ में कभी देखा नहीं। अच्छा लोग वही नहीं है देखा है कभी लाइक अपने टर्म से इस किस्म का पेंटिंग क्लोज टू तो मैं सो आई थिंक कहीं नहीं देखा जैसे आपने कहा कहीं हुआ भी नहीं है। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप ये कर नहीं सकते? एक्चुअली सर मैंने ऑडिशन दिए रियलिटी शो के लिए, कहते थे कि ये तो हो चुका है कुछ नया करो और रिजेक्ट हो जाता था। मैं अभी सोचा पैर से देखा दुनिया में, हाथ से देखा हाथ से बहुत हो चुका है, ब्रश से हो चुका है, मैंने क्या करूँ तो दिमाग में आया कि ना फिजिक्स से ट्राई करते हैं। तो यही कहूँगा कि हम जब इस शो की शुरुआत हमने की थी तो हम ये तो भैया मैं कह दूँ कि ये इससे ज्यादा अनसीन चीज मैंने शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखी, ये होते हुए नहीं देखा है जो आपने किया है। मैं दंग रह गया हूँ, मैं शॉक हूँ, हैप्पी कि आपने मुझे चुना। ये मैं जरूर घर ले जाना चाहूंगा, अपनी माँ को दिखाऊंगा कि देखो देखो उन्होंने किसी के जबान से किसी ने तारीफ नहीं मेरी तस्वीर में। मेरी तरफ से इस अद्भुत हुनर के लिए इस जो चाट चाट के आपने बनाई है उसके लिए मेरी तरफ से तो जरूर हाँ। ये सब कुछ सही था, आपने इतना अच्छा कहा चाट चाट के, ये मुझे बट व्हाट ही डिड एक्चुअली अनोखा एकदम, मतलब जबान से और यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ लिटिल बिट ऑफ टच चाहिए उतना ही लिटिल बिट, उससे ज़्यादा नहीं, कहीं कम चाहिए कम ज़्यादा चाहिए, वहाँ ज़्यादा वहाँ जहाँ कम, ये संतुलन रखना, ये बैलेंस रखना, इस तरह से जबान के कंट्रोल से इसको करना इज इम्पॉसिबल। आई मीन पहली बार हमने भी देखा है, इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली, ये हुनर, ये हुनर और हुनर को मान करना ये हमारा फर्ज है कि हुनर की इज्जत करो। दादा मैं कुछ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। बचपन में जब हम लोग को बहुत शौक होता था टीवी देखने का, मूवी देखने का, बट मेरा जो गांव है वहाँ पर लाइट जो है 2009 में आई, तो हम लोग बचपन में टीवी देख नहीं पाए गांव में किराए से, और पूरे गांव वाले बैठ के देखा करते थे आप लोग की मूवी। और उसके बाहर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, तो ऐसा मैं 12वीं तक मैं अपने आर्ट को पहचान ही नहीं पाया था कि मेरे अंदर कोई हुनर है, क्योंकि बाहर भी कोई रियलिटी शो होते हैं ये मुझे 2017 में पता चला। वाह सूर्यवान जी आपकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, लेकिन काश मैंने आपका हुनर पहले देख लिया होता इसको किस करने से पहले तो शायद मैं कुछ और कर पाई। मैम बता दीजिए, अदरवाइज तो दिल में क्वेश्चन रह जाएगा कि कुछ बोलने वाले थे आप। ये
ये आपने हाथ से बनाई है ना? वो हाथ से बनाई है। अच्छा, ये आपने हाथ से बनाई है? वो बहुत अच्छी है, चाक चाक से नहीं, हाथ हाथ से बनाई। थैंक गॉड, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं आपको दादा सबके लिए एक सरप्राइज रखा है, तो आपके लिए छुपा के रखा था। आपकी दे दीजिए दादा को। यही मेरी फेवरेट पेंटिंग है, मैं डर गई थी 2 मिनट के लिए। हाँ सर, फोटो लग गई है करण सर, कितने यमी है, आपको चाट चाट के बुलाया गया है। ये अगली बार कपिया ले लेके कुछ होना चाहिए। जब स्टार्ट किया था मैं तो कुछ दिन करने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, सोच तो लिया था जीप से बनाना है, पर जब करने गया तो बहुत खुल निकलने लग गया। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और से करोगे ना? नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। देन मैंने फूड कलर से प्रैक्टिस किया, टेक जो है मैं इससे लेता हूँ। नहीं, अभी तो अपने टंग से कर ली, जबान से। अगले टाइम कुछ और करता हूँ, मैं बताना नहीं ऐसे कुछ करता, भागना नहीं, भागना नहीं कह सकता हूँ सर, इससे एडवांस लेवल होगा। अगली बार जिस भी चीज से बनाएंगे पहले बता देना, क्योंकि हमने चूल्हा उड़ना भी होता है ना, तो पता चले कि आपने बम पे कलर लगा है, पता चले इधर कलर लगा के ऐसे ऐसे बनाया है, वो परिणीति में हम चूल्हे बट मैं एक प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि पेंटिंग बनाने से पहले मटेरियल के बारे में स्टडी करके बनाए, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ हार्मफुल हो सकता है। हाँ, जहरीले केमिकल हो सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये अगली बार शायद ना, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि नहीं, ये हमारे धर्मेश भाई है। धर्मेश भाई को पता चला कि दाद जो अपना ये हुनर लेकर आया है। पोस्ट में देखना चाहूंगा, लेकिन इसका मैं पोस्ट तब करूंगा जब मैं आपका वीडियो भी डाल सकता हूँ, तो टेलीकास्ट के दौरान मैं डालूंगा, क्योंकि इसका मजा तब आएगा। मैं मजा तब लोग जो कैसे बना, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लस्ट, जब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे बना है तब उसमें बात। और नीचे कैप्शन होंगे करण सर के, कैप्शन ये लिखे जाएंगे, देखा मैं कितना यमी हूँ। हाँ, ठीक है, सिर्फ दो ही होनी चाहिए, तीसरी भी तो कट जाएगा।